अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन काठी रोल। ये बटर चिकन काठी रोल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे आप शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली हूँ और ये बोनलेस चिकन में मैं डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आप चाहो तो तीखी वाली भी ले सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर, आधा नींबू मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से निचोड़ देंगे आधा नींबू। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे साइड में। अब एक फ्राई पैन में मैं 1 टेबल स्पून के बराबर तेल डाल दी हूँ और अब अपना चिकन को उसी में डाल रही हूँ और इसको चलाते हुए पका लेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। इसको अलटते पलटते हम पका लेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए, इसी तरीके से पलट पलट के सब तरफ से अच्छी तरीके से घुमा घुमा के पका देंगे ताकि हमारा चिकन है अच्छी तरीके से गल जाए। इसे पकाते हुए 10 मिनट हो चुका है मुझे और मैं ये चिकन को निकाल रही हूँ। और सेम फ्राई पैन में मैंने डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर बटर, बारीक कटी हुई प्याज। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरीके से पकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून के बराबर, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून के बराबर और गरम मसाला पाउडर भी मैंने 1/2 टेबल स्पून के बराबर इसमें डाला हुआ है। और अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और इसमें के अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये मैंने 1 टमाटर कट करके डाल दी हूँ बारीक। और इसको मैं अब कवर करके पका लूंगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, ये अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें मैंने डाल दी हूँ सिर्फ मसालों के हिसाब से नमक और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। ये मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली हुई हूँ, इससे बहुत अच्छा काठी रोल में टेस्ट आएगा। और अब मैं अपना जो चिकन रखी थी साइड में पका के उसको भी इसके अंदर मिक्स कर दी हूँ। ये मैंने मैदा ले ली थी, उसके अंदर डाल दी थी नमक और फिर हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से मैंने गुन के 10 मिनट के लिए साइड में रख दी थी। और अब इसको मैं रोटी की तरह बेल ली हूँ। थोड़ा सा मोटी रोटी से है ना, थोड़ा मोटा रखेंगे इसको, बाकी सारा प्रोसेस जो हम रोटी के लिए करते हैं ना वही रहेगा। बस मैंने डो के लिए इसमें मैदा ले ली हूँ, अगर आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। मैंने इस तरीके से 2 रोटियां बना ली हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा चिकन भी बनके तैयार हो गया है। अब इसको मैं रख दूंगी साइड में और फिर मैं एक तवा रख दी हूँ। तवा के गरम होते ही मैंने उस पर डाल दी हूँ रोटी जो मैंने बना के रखी हुई थी। इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल लगा के सेक लेंगे। अब मैं ले ली हूँ 2 अंडे, उसके अंदर डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक और उसको भी ये रोटी के ऊपर डाल देंगे।
अच्छी तरीके से डाल के फैला देंगे और 1 से 2 मिनट तक का उसको पलट के भी पका लेंगे। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप। आप चाहो तो मायोनीज भी लगा सकते हो। अब इसके ऊपर मैंने जो चिकन पका के रखी थी वो लगा रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कटी हुई प्याज। थोड़ा सा कोथमीर, लींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ दिया हुआ है और इसको रोल कर देंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरे भी बना के तैयार कर ली हूँ। दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आए पसंद तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।